हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमर कुमार एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। इन माय लास्ट वीडियो आई हैड टॉट यू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट किया है अभी स्टूडेंट्स, अभी दो तीन वीडियोस गए हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के विषय में आपको जानकारी दिया था एंड टुडे आई एम हेयर अगेन विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ग्रेविटेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। द टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, वो क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मीन्स व्हाट? तो फ्री फॉल कब कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। जब कोई वस्तु नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ अगर गिरती है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। यहां देखिएगा, मैंने एक शब्द का उपयोग किया है अलोन। सिर्फ और सिर्फ वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है और किसी तरह का कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो वी से डैट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है? फ्री फॉल, है ना। उस पर किसी और दूसरा कोई बल काम नहीं कर रहा है, कोई किसी दूसरे तरह का फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी फॉलिंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम अ हाइट, है ना। जब कोई गेंद किसी हाइट से, सपोज डेट आई हैव टेकन अ बॉल, या मान लीजिए कि ये एक मार्कर है मेरे हाथ में, मैं यहाँ पर इस तरह से होल्ड किया हूँ और यहाँ मैंने क्या किया? छोड़ दिया। तो ये छोड़ने से क्या हो गया कि ये मार्कर जो है वो क्या हुए? नीचे गिर गए, फॉल हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। अब एक चीज इसमें आप समझिएगा स्टूडेंट्स, थ्रो करना है ना और फॉल होना, ये दोनों अलग बात है। थ्रो कर रहे हैं यानी कि मैं यहां पर अपने तरफ से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, जो कि यहां पर ऐसा इसमें कोई मेंशन नहीं है। ये क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की ओर गिरे टुवर्ड्स द अर्थ। नीचे किस तरफ जा रहे हैं? वो अर्थ की दिशा में, अर्थ की तरफ जा रहे हैं अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, और वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ आप देख सकते हो फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, है ना। कोई फल लगा हुआ है वृक्ष पर और वो फल पक गया और वो जब गिरता है तो उस पर कोई किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया है। वो अगर गिरा तो वो किस दिशा में गई? पृथ्वी की तरफ गई, है ना, और वो फ्री फॉल हुआ। वो गिरा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग फ्री फॉल बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने की बात अब नहीं है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ गिरती है, देयर इज एन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ सम ऑफ एक्सेलरेशन इज रिलेटेड, उनके साथ जुड़ जाते हैं, एसोसिएटेड विथ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई अ स्मॉल जी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यहां तक आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ अब देखिए, अब हम यहाँ पर इस स्मॉल जी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आपने आपको मैंने पढ़ाया है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? एम इनटू ए। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन इज एसोसिएटेड विथ
द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मास इनटू यहाँ एक जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जी पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब याद कीजिए कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में जब मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने एफ का वैल्यू, ये क्या आया, एफ इज इक्वल टू एम जी आया, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो वहाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ एफ का वैल्यू जो है वो क्या आया था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब ये कैपिटल जी क्या लिया था हमने, कॉन्स्टेंट अपॉन कैपिटल जी मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दिस इज द मास ऑफ द ग्रेटर ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज द मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो डी फोर हेयर डिस्टेंस, तो ये हमने पाया था, इसे हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, है ना, एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम एंड डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या करना है, ये इस एम को इस एम से हमने क्या किया, काट दिया। तो अब हमारे पास क्या मिलकर आए, तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एंड डी स्क्वायर। आई थिंक यहां तक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां क्या है, डी स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यहां एक ऑब्जेक्ट तो खत्म हो गए, अब मास एक ऑब्जेक्ट का तो है। अब यहाँ जो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की। अब अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका मास अर्थ से कम ही होगा। ठीक है, तो सपोज डैट, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देखो, है ना, सपोज डैट दिस इज द अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब पृथ्वी से इस मास का सेकंड, जो इस ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो, इसका जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से होगा, पृथ्वी के सेंटर से होगी। ठीक है, तो सेंटर से सपोज डेट दिस इज द पोजीशन ओ और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए, तो ये ओ ए जो है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ यही डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा क्या मिला, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच आई हैव गिवन टुडे। आई होप यू ऑल विल लाइक माई दिस वीडियो एंड, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज को प्रॉपरली वॉच करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। In my upcoming videos, I will derive you the value of G. मैं अपने अगले आने वाले videos में आपको इस G का value निकाल करके दिखाऊंगा। ये तो अभी हम लोगों ने formula को generate किया है यहाँ पर। यहाँ small G का formula ये निकल के आया, capital G upon M by R square. अब मैं आपको इस small G का proper कितना value होता है ये मैं निकाल करके आपको बताऊंगा अपने आने वाले videos में। Till then students, remain healthy and fit and thanks for watching my this video.